नमस्कार, बदमिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरेखा में हटाया गया अतिक्रमण, पहली बार हुई अतिक्रमण पर कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ विवाद, अतिक्रमणकारी ने कोतवाल को मारा चाकू। जंगल से रास्ता भटक कर बावरिया पहुंचा बायसन, वन विभाग ने संभाला मोर्चा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की धीमी प्रक्रिया, एक महीने से देरी से होगी सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं। एक महीने से हाथी हुए लापता, ढूंढने से नहीं मिल रहा लोकेशन। किरनापुर में एक रात में टूटे 6 दुकान के ताले, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की कथित। और ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में भरवेड़ी 11 बनी विजेता। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन व नगर पालिका द्वारा जिला मुख्यालय के सरेखा और सरेखा बाईपास रोड के साथ ही कटंगी नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाने की मुहिम 21 दिसंबर की सुबह से ही शुरू की गई। सरेखा में वर्षों पुरानी अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने इस पहल का स्वागत तो किया, लेकिन प्रशासन से यही उम्मीद लगाई कि अतिक्रमण हटाने के दौरान भेदभाव ना किया जाए। स्वयं हटा ले। प्रशासनिक अमलों के द्वारा अतिक्रमण कर सामग्री जब्त करने के साथ साथ जुर्माने की चालानी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आप स्वयं अतिक्रमण करता ठीक है। पूरी दुकान जाइए जब उनके नाम पर, तो पूरी अपने वाहन यहाँ से हटा ले और अपनी भीड़ हटा ले यहाँ से। प्रशासनिक स्तर पर जो प्रक्रिया चालू है अतिक्रमण हटाने करने के लिए, प्रक्रिया पर हम पूरा शासन का कोई विरोध नहीं कर रहे, अपने शासन के इच्छे कर काम कर रहे हैं। पूरा अपनी मर्जी से दुकान उठा रहे, शासन ने जैसा बोली करी है। एक प्रकार से है कि इनको एक प्रशासनिक तौर पर जो दुकानदार आज बेरोजगार हो जाएंगे, इनको नगर पालिका प्रशासन अपने तरफ से दुकानदारों को सब नियमबद्ध दुकानदारी देना चाहिए इनको। और अभी जो अतिक्रमण मार्किंग किए हैं यहाँ, बिल्कुल बहुत गलत तरीके से मार्किंग किया गया है, जो कि आज ठीक है हम लोग अतिक्रमण बैठे हैं, उठाने करें वो जायज है अतिक्रमण, बाकी राज्य में जो किए हैं वो वहाँ पे इनकी पैतृक तौर पे है जमीन वहाँ पे। अभी तो कार्रवाई करना चालू करें, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि ये कितना कर पा रहे हैं। जहाँ तक मार्किंग हुई है वहाँ तक होना चाहिए भाई, सबका हो रहा है तो हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो सहयोग कर रहे हैं, मतलब आप हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं शासन प्रशासन को, मगर जहाँ तक मार्किंग करके गए, जो मार्किंग हुई है वो काम, मार्किंग में पूरा काम होना दोनों तरफ की, दोनों तरफ की मार्किंग हुई है भाई, उस साइड का भी हुआ है और इस साइड का भी होना चाहिए गोंदिया रोड का। तरीके से अगर करते हैं तो क्या विरोध करेंगे? नहीं करेंगे तो हम तो विरोध करेंगे, हमारा टूटा उनका भी टूटना चाहिए। अतिक्रमणकारियों ने बताया कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। वर्षों से उन्होंने इस सरकारी भूमि पर अपना व्यापार चलाया, परिवार का पालन पोषण किया। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ चुका है, जिसके लिए उन्हें नया रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट और कटंगी दोनों ही स्थान पर आगामी दिनों में भी अतिक्रमण हटाओ की मुहिम चलती रहेगी। इस दौरान मुख्य रूप से शासकीय भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही सख्ती से की जाएगी। जिले के बिरसा थाना अंतर्गत साले टेकरी रोड पर स्थित अचानकपुर के पास पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मेडिकल कॉलेज रायपुर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महेश पीताम्बर बाहेश्वर, उम्र 30 वर्ष, निवासी अचानकपुर, गुरुवार की शाम 6 बजे
महेश मोटरसाइकिल से कचनारी से अपने गांव अचानकपुर आ रहा था। इसी दौरान साली टेकरी रोड पर पिकअप ने उसे ठोकर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल महेश को इलाज के लिए बिरसा अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। नवीनतम स्थापित छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा एमए, एमकॉम और एमएससी कक्षाओं की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर तिथि निर्धारित नहीं की गई है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरा है। इस प्रक्रिया को अब करीब 15 दिन का समय और लग सकता है। ऐसे में परीक्षाएं जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह तक होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार सेमेस्टर परीक्षा 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक हो जाने चाहिए थी, लेकिन छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया और फिर कॉलेज द्वारा संबंधित कॉलेजों की संबद्धता के कारण कॉलेजों का बारी बारी से निरीक्षण किया गया, जिन सब प्रक्रियाओं में देरी हो गई। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि सभी प्रक्रिया की महाविद्यालय की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। संभवतः सप्ताह भर के भीतर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख आ सकती है और जनवरी माह में परीक्षाएं आयोजित हो सकती है। हालांकि परीक्षाएं लेने में अभी तक ज़्यादा देरी नहीं हुई है। उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रास्ते एमपी के बालाघाट जिले में बिरसा बैयर लामटा चांगुटोला के जंगल और खेती की ज़मीन पर अपनी धमा चौकड़ी मचाने के बाद बीते एक महीने से हाथियों का कोई पता नहीं है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को पहली बार हाथी को जिले में बिरसा रेंज में देखा गया था, जहाँ पर उन्होंने किसान की ज़मीन पर उत्पाद मचाया। 10 दिन गायब रहने के बाद हाथी बैयर रेंज में दिखाई दिए। कुछ दिन बाद यह हाथी लामटा रेंज के आधा दर्जन से अधिक गांव में किसानों की जमीन पर जमकर उत्पाद मचाने के बाद अचानक गायब हो गया। वन विभाग को लगा हाथियों ने बालाघाट को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। खबर यह भी आई कि हाथी शायद कान्हा नेशनल पार्क में चले गए, लेकिन हाथी ने चांगुटोला क्षेत्र में दस्तक दी और फिर उत्पाद मचाना शुरू किया। इस दौरान लगभग 100 एकड़ जमीन पर हाथियों ने किसानों की फसल को प्रभावित किया। बीते एक महीने से एक बार फिर हाथियों का कोई नया लोकेशन पता नहीं चल रहा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान उत्तर वन मंडल सामान्य के SDO MS श्रीवास्तव बताते हैं कि वर्तमान समय में जिले के भीतर हाथियों की कोई जानकारी नहीं है। हाथी कान्हा नेशनल पार्क के भीतर गए होते तो वहां से जानकारी मिल जाती। शायद यह हो सकता है कि हाथी जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते वापस छत्तीसगढ़ के रास्ते उड़ीसा चले गए हों। जैसा कि पद्मेश न्यूज़ ने पहले भी वन्य प्राणी विशेषज्ञों और पुराने आंकड़ों के हिसाब से खबर दिखाई थी कि हाथी को कोई स्थान पसाने पर वह अपने साथियों को भी उस स्थान पर लेकर वहीं बस जाते हैं, तो अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाथियों ने बालाघाट जिले को पूरी तरह से छोड़ दिया है। यह भी हो सकता है कि हाथियों को बालाघाट जिला पसंद आ गया हो और वे अपने साथियों को लेने चले गए हो। बाकी आने वाला समय में पता चलेगा कि हाथियों ने बालाघाट को छोड़ दिया है या फिर पुरानी कहावतों के अनुसार अपने साथियों के साथ फिर एक बार वापस आया। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित बालाघाट इंग्लिश स्कूल में शनिवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें वर्ष भर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन प्रोग्राम है, जिसमें हमने साल भर के जो बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट किए, जिसमें रंगोली स्पर्धा हो गई, कबड्डी हो गई, खो खो हो गया, साइकिल रेस हो गया, रस्सी कूद हो गई, ऐसे साल भर के जो हमारे प्रोग्राम चले उसका आज समापन प्रोग्राम है और उसके हम उसमें आज सभी संस्था के जितने हमारे बच्चे हैं सबको बुला करके हमको पारितोषिक वितरण किया गया है और नए साल में फिर शुरू करेंगे हम। ये हमारा इस सत्र का आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद जैसे हमारा पढ़ाई शुरू हो जाएगी, एनुअल एग्ज़ाम वगैरह आएंगे तो उससे भर जाएंगे। इस दौरान कबड्डी, खो खो, रंगोली, साइकिल रेस, रस्सी कूद, राखी कार्ड मेकिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं में विजय होने वाले प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। आपको बता दें कि बालाघाट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को शारीरिक व मानसिक विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आज बालाघाट इंग्लिश स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। ये 18 तारीख से शुरू हुआ था, जिसमें कबड्डी, खो खो, जैवलिन, शॉटपुट ऐसे जितने स्पोर्ट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज किया गया। 4 हाउसेज रहते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, और उसमें बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए और उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और टीम स्पिरिट जागृत करने के लिए एक एजुकेशन को प्रॉपर कंप्लीशन देने के लिए स्पोर्टिंग इवेंट्स कराए जाते हैं और इसमें बच्चे लोग हारते हैं, जीतते हैं,
और उनको दोनों चीज़ें हारने को भी एक्सेप्ट करना आता है और जीतने के बाद उनको प्रोत्साहन मिलता है। ये एक एजुकेशन सिस्टम का। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम धापेवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के कोटवार को चाकू मारकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को धापेवाड़ा में शासकीय अमले द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का काम किया जा रहा था, जिसमें सहयोग के लिए ग्राम के कोटवार जितेंद्र चौहान वहीं खड़ा था। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान सुरेश मरकाम द्वारा उसका विरोध किया गया और कोटवार पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू से वार कर दिया। जितेंद्र चौहान की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। शासन के निर्देशों के तहत तमाम धान खरीदी केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, जिसके लिए उन्हें बाकायदा मैसेज दिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर किसान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। लेकिन काफी किसान ऐसे हैं जिन्हें मैसेज आने पर वे खरीदी केंद्र नहीं पहुँच पाए। ऐसे किसानों को अपनी उपज खरीदी केंद्र में देने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस संदर्भ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य शाखा के शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि धान परिवहन ना होने के कारण यह दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसे किसानों की धान अवश्य खरीदी जाएगी। मैसेज में यह है कि जैसे आज उनको मैसेज जा रहा है और वो उस दिन उपस्थित नहीं हुए, उनकी गहानी नहीं हुई या उनके पास धान परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उनको 3 दिन के बाद या 5 दिन बाद मैसेज दोबारा जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, परिवहन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाई है, शासन इस बात को समझ रहा है, इसलिए SMS दोबारा पहुँचने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उनकी धान फिर से खरीदी जाएगी और उनको SMS समय पर पहुँच जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सौभाग्य योजना में घोटाले किए जाने का आरोप परसवाड़ा विधायक राम किशोर कावरे ने लगाया। श्री कावरे ने बकायदा विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को सदन में उठाया और इसकी जांच किए जाने की मांग शासन से रखी। एक बालाघाट जिले का बहुत बड़ा घोटाला बालाघाट जिले में सौभाग्य योजना में, बिजली जैसे की सरकार चाहती थी, पूर्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो चाहती थी कि हर परिवार तक के बिजली कनेक्शन पहुंच जाए, हर गांव में बिजली कनेक्शन हो जाए, वो एक मकान भी है तो उसके घर तक के खंभे पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए। इसकी सौभाग्य योजना से सरकार ने इस योजना को स्वीकृत किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना स्वीकृत किया था ताकि किसानों गरीब परिवार तक के चले जाए। लेकिन इन दोनों योजना में लगभग 87 करोड़ रुपए की योजना, अब सौभाग्य योजना 42 करोड़ रुपए के 36 करोड़ रुपया खर्च बताते हैं, दीनदयाल उपाध्याय योजना 40 करोड़ की उसमें 25 करोड़ रुपया खर्च बताते हैं, ऐसा इन्होंने 61 करोड़ रुपया खर्चा बता दिया। लेकिन एक उदाहरण मैं जैसे बताता हूँ कि जिला मुख्यालय से लगी हुई उपनगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोसमी पंचायत के सरपंच ने शासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। सरपंच त्रिलोक बम्बूरे ने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर ग्राम सभा के दौरान पंचायत में सफाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य उपकरणों का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया था, लेकिन उस पर महीनों बीत जाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा पंचायत में सफाई के लिए बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने शासन प्रशासन के निर्देश ये जागरूकता के अनुसार जो यहाँ स्वच्छता था के चलते हुए जो चल रहा था, इस विषय में हमने यहाँ पे प्रस्ताव लिया था पंचायत में कि हमारे को कचरा गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली और 4 कर्मचारी होना था जो सफाई अभियान में ही चलते रहते। उस प्रस्ताव को हमने दे दिया है, मगर उस पर अभी भी कोई ये नहीं हुआ है, निर्देश नहीं हुआ है। हमारा मकसद था कि गांव में जितनी भी गंदगी है, यानी कचरा फेंकते हैं लोग, अन्य प्लाटों पे फेंकते हैं, वो क्या है कचरा गाड़ियों में डालते हैं और उसको क्या है कहीं ले जाके एक जगह स्थिर कर देते। अब उस पर कुछ विचार नहीं किए होंगे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए को बहुत ज़रूरी है कि कचरा गाड़ी और 4 कर्मचारियों की व्यवस्था। अब क्या कदम रहेंगे आपके, जैसे आपने प्रस्ताव तो बना दिया लेकिन अभी तक वहां से कोई, अब जब तक शासन निर्देश नहीं देगा जब तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वारासिव ने कृषि उपज मंडी का निरीक्षण 21 दिसंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह के द्वारा किया गया। SDM संदीप सिंह ने कृषि उपज मंडी परिसर में बन रही नई कृषि उपज मंडी का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। वहीं किस प्रकार से मंडी का निर्माण किया जा रहा है इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी ली, क्योंकि वर्तमान में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसके तहत नगर में की गई खरीदी का धान को रखवाने के लिए मंडी ठेकेदार को निर्देशित किया गया।
कि उनके पास मंडी निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए जुलाई तक का समय है, लेकिन मंडी प्रांगण का जल्द से जल्द निर्माण करें ताकि खरीदी हुई धान को उक्त स्थान पर रख सकें। जिले की डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत परसवाड़ा रोड पर मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार संजय पिता खोनू सिंह एड़पाचे 26 वर्ष ग्राम पोंडी थाना परसवाड़ा निवासी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 21 दिसंबर को दोपहर के समय संजय मेहमानों को छोड़ने मोटरसाइकिल में ग्राम डोरा आया था और मेहमानों को छोड़ करके मोटरसाइकिल में अकेला डोरा से पोंडी अपने घर जा रहा था। इस दौरान परसवाड़ा रोड अमई तालाब के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल संजय को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ले स्थित शिव मंदिर में 15 दिसंबर से श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसका समापन 24 दिसंबर को हवन पूजन के साथ किया जाना है, जिसमें प्रयागराज से पधारे पंडित राजेंद्र प्रसाद तिवारी के द्वारा व्यास आसन पर आसीन होकर श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है। एक के बाद उसके बाद एक पत्थर लाऊंगा, अब पत्थर लाने के बाद आपके चरणों में पहले उसे छुआऊंगा, अगर वो पत्थर सौगंध खा के देता हो, जैसे ही दशरथ की सौगंध खा के कहा तो लक्ष्मण जी तनमना, आपके मन को जानता हूं, छुवत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन तेन काठ कठिनाई, मैं खूब जानता हूं आपके मर्म को। ऋषि मुनि महात्माओं के मुख से सुना है कि शिला माने पत्थर, अब पत्थर जो था आपके। पद्मेश से चर्चा में संगम लाल तिवारी ने बताया कि हम सभी प्रयागराज से आए हैं और राम कथा गांव जाकर सुनाते हैं, क्योंकि हम लोगों में जन जागृति लाना चाहते हैं कि माता पिता भाई बहन पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं और बच्चियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जो कि गलत है। भरवेली थाना अंतर्गत तावला छरी में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा करके 3 युवकों पर हमला करते हुए चाकू से मारकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर की रात 7 बजे के करीब यह वारदात आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल दीपक बाहेश्वर, दीपक टेमरे निवासी आवलेचरी और अनमोल गुप्ता निवासी भरवेली की शिकायत पर पुलिस द्वारा आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घटना में सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट द्वारा हितग्राहियों को सस्ती दरों पर मकान आवंटित करने की योजना पर रेरा ने ब्रेक लगा दिया है। नगरपालिका के उपयंत्री एस के राहंगडाली ने बताया कि एमआईजी और एलआईजी पर रेरा से अनुमति नहीं मिलने की वजह से मकान बनाने में देरी हो रही है। इसी तरह निर्माण कार्य चलता रहा तो आगामी 1 वर्ष तक हितग्राहियों को उनके आशियाने आवंटित नहीं किए जा सकते। अभी निर्माण कार्य चालू है, उसमें स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो गया है, अब जुड़ाई का काम चालू है। कब तक चालू जाएगा? लगभग 1 साल लगेगा सर। मगर इतना डिले क्यों? वो एलआईजी और एमआईजी को बेचने का काम जो था वो रेरा की अनुमति नहीं मिलने के कारण विलंब हुआ। आपको बता दें कि हितग्राहियों को सस्ती दर पर मकान बनाने की योजना बीते 2 वर्षों से चल रही है। नगरपालिका द्वारा विधिवत तौर पर हितग्राहियों को मकान के टोकन तक आवंटित कर दिए गए हैं। इस उम्मीद से हितग्राही अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस काम में देरी से उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। अब देखना यह है कि सरकारी कारण की भेंट चढ़ रही योजना कब तक पूरी हो पाती है। शहर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में पॉक्सो एक्ट समिति द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शहर के विद्या ज्योति ज्ञानपीठ स्कूल में बच्चों को यौन उत्पीड़न से संबंधित असुरक्षित स्पर्श को विस्तार से समझाया गया। चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 पर शिकायत करने के बारे में बताया गया। साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संबंधी पंपलेट का विवरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के पॉक्सो एक्ट समिति की संयोजिका डॉक्टर सरिता खोबरागड़े व सदस्य जेएम चतुर्वेदी राकेश वैद्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। शासकीय जटाशंकर महाविद्यालय में 16 से 22 दिसंबर तक रामानुजन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
इसी तारतम्य में 20 दिसंबर को गणित एवं गणितज्ञों पर आधारित एक क्विज प्रतियोगिता, कविता पाठ, स्लोगन और भाषण प्रतियोगिताओं का महाविद्यालय में आयोजन किया गया। शासन स्तर पर विभिन्न योजनाओं के लिए काफी नए पोर्टल और ऐप शुरू किए गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के लिए पोर्टल एवं ऐप को संचालित करने में काफी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें समस्या के निराकरण को लेकर जिला पंचायत सीईओ के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शासन के निर्देशों के तहत नगर के डेंजर रोड स्थित कृषि अभियांत्रिकी विभाग में लाखों की लागत से शेड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां पर कृषि यंत्र को सुरक्षित रखा जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व में सेट न होने के कारण जहां एक ओर बारिश में यह यंत्र खराब हो जाते थे, वहीं इनकी चोरी होने का भी भय बना रहता था, लेकिन शेड बनने की वजह से ये सुरक्षित रहेंगे। इस संदर्भ में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के उपयंत्री श्री ध्रुवे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। और फिर कैंपस पूरा बनाया गया, फिर मशीनों को ऐसे इस तरह से धीरे धीरे जो है यहाँ शेड वगैरह भी बन रहा है, अभी बल्कि काम ही चल रहा है। और ये सारे जो है यहाँ का मतलब रख रखाव के हिसाब से जो है सारी चीज़ें जब व्यवस्थित हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में जिलावासी के किसान, जिला के किसान के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग साबित होगा। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कनकी में संगीतमय भव्य श्री राम कथा का आयोजन विगत 7 दिनों से किया जा रहा है। यह संगीतमय कथा 8 दिनों तक चलेगी, जहां श्री राम कथा का समापन कल 23 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मुकुंद महाराज भागवत रसिक द्वारा अपने सुमधुर वाणी से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, इस उद्देश्य को लेकर श्री राम कथा का आयोजन ग्राम कनकी के हनुमान मंदिर स्कूल टोला में किया जा रहा है। नहीं बजो, दो दिन के है जिंदगा और कुछ दिन का रात में, दो दिन के है जिंदगा। जय जय श्री राम। वारासिवनी नगर के दीनदयाल चौक के पास बड़ी नहर स्थित वार्ड नंबर 3 से शिवधाम मोहल्ला वार्ड नंबर 19 को जोड़ने वाली बाईपास मार्ग की स्थिति चर्चर हो गई है, जिसमें राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रोड पर गड्ढे हो गए हैं, साथ ही बहुत छोटा रोड है जिससे रोजाना हजारों लोग आना जाना करते हैं, जिसके कारण हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। सर, हम लोग जो मकान बनाए जी, तो हम लोगों ने जितना नगर पालिका में पैसा दिए हैं, उस हिसाब से ना लाइट जल रहा है सर, ना रोड बन रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अभी ये आप देखोगे कि ये पड़ोस में या ये नालियाँ पूरी खराब हो रही है सर, बिल्कुल। तो और ये पूरा सकरा रास्ता है सर, इसको थोड़ा चौड़ा बना दिए कि बना दे या नगर पालिका अध्यक्ष जो भी है या जो भी ऑफिसर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हमारे को ध्यान दो, क्योंकि हमने पैसा दिए सर आप लोगों को और उसका रिटर्न अपने को नहीं मिला सर। नगर पालिका प्रशासन से अनेकों बार गुहार लगाई गई है कि उक्त मार्ग का जल्द निर्माण किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उक्त मार्ग सीमेंट का बना हुआ है, जिसका मरम्मत कार्य संभव नहीं है। वन और वन्य प्राणी बचाने के लिए वन विभाग द्वारा चलाई जा रही है अनोखी पहल अनुभूति की शुरुआत, जिले के दक्षिण वन मंडल सामान्य वन मंडल द्वारा की गई है। इसी कड़ी में स्कूली बच्चे और जंगल से लगे हुए गांव में निवासरत बच्चों को जल, जंगल, जमीन के विषय में बारीकी से जानकारियां दी गई। इस दौरान जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण स्तर के समस्त शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जंगलों की सैर कराई जा रही है, जिसमें उन्हें बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल, विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों की जानकारी, उनका संरक्षण, जन जागरूकता हेतु नाटक मंचन, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण बनाने सहित अन्य प्रकार के आयोजन कर स्कूली बच्चों को उसकी विस्तृत जानकारियां दी जा रही हैं। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बवरिया के अंतर्गत आने वाले स्कूल टोला के समीप से गुजरी डूटी नहर के पास 21 दिसंबर को जंगल से भटक कर बायसन आ गया, जिससे किसानों व ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। गांव के समीप जंगली भैंसा के आने की खबर ग्रामीणों को उस समय लगी जब
एक कृषक खेत में धान की मिसाई करने के लिए प्रातः खेत गया तो नहर के समीप बायसन नजर आया। कृषक ने स्थानीय कृषकों व ग्रामीणों को सूचना दी, जिसकी खबर फैलते ही मौका स्थल पर ग्रामीणों का भारी हुजूम लगना शुरू हो गया। हाँ। रास्ते में मिला हो मेरे को। कितने समय? ये करीब 6 बजे। तो आप क्या कर रहे थे इस समय? गाहनी कर रहे थे। तो करीब से देखे आपने? कितना बड़ा है वो? बहुत बड़ा है। कब आया होगा ये? कैसे क्या ये? सर मुझे भी पता नहीं, हम पैट को गाहनी करते हैं। हाँ। तो ये करीब 4-4:30 बजे रात्रि में आते हैं। ऐसा क्या? तो सुबह 6:30 बजे देखेगा आपने? जी। जी। तो अभी क्या स्थिति? अभी सर लगता है वो नहर से बह के आया है या फिर चल के आया है, वहाँ से निकल नहीं रहा है या फंसा है। पद्मेश से चर्चा में दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट वन मंडल अधिकारी ए अंसारी ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली कि गांव के समीप एक बायसन आ गया है जो परेशानी में है, जिस पर तत्काल वन अमले को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर देखा तो ग्रामीणों की भीड़ जमा थी। ये मुझे सुबह 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहां पर एक बायसन यहां पर आ गया है किनारे, और उसको कुछ परेशान सा है, तो हमने तत्काल वन अमले को यहाँ पर मौके पर भेजा, और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी यहाँ पर एक हमारे वन्य प्राणी प्रेमी भी हैं, उनके द्वारा भी हमको सूचना मिली, तो हम लोग तत्काल बालाघाट से हम लोग भी यहाँ पर मौके पर आ गए, और मौके पर आने के बाद हम लोगों ने पूरी जानकारी इकट्ठा करी, और उस वक्त जनता काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सबसे पहले समझाइश दी, तो कुछ देर बाद जनता का सहयोग मिला हमको, और तब हम यहाँ पर जो पशु चिकित्सक हैं उनकी सहायता से हम दोनों लोगों ने काफ़ी अच्छे से नज़दीकी से दूरबीन से मुआयना किया पूरे इसके उसका, तो अभी ऐसी स्वस्थ दिख रहा है हमारा ये वन्य प्राणी जो बायसन है। हम लोग इसको शाम तक बिल्कुल शांत से स्वयं निकलने का मौका देंगे इसको। यदि कोई और परेशानी होगी तो हम पेंच टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम बुला के इसको रेस्क्यू करेंगे। भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में आयोजित ओपन ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को फाइनल मैच भरवेली 11 ने पुलिस वॉइस पर शानदार जीत दर्ज कर विजेता बनी। फकीरा क्लब द्वारा आयोजित 14 दिसंबर से ओपन ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पुलिस बॉयज बालाघाट और भरवेली 11 के बीच खेले गए मैच में भरवेली 11 की टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे। वहीं पूरे खेल के दौरान पुलिस बॉयज बालाघाट एक भी गोल नहीं दाग पाई। द्वार में आयोजित ऑल इंडिया ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट का आज का किरनापुर तहसील मुख्यालय में चोरों के हौसले फिर बुलंद हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद भी चोरों ने एक रात में 6 दुकान पर धावा बोलते हुए ताले तोड़ दिए और नगदी राशि ले उड़े। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया किरनापुर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू करने के आदेश दिए और किरनापुर में गश्ती बढ़ाने के लिए आदेश दिया। बीती रात थाना किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास मेन मार्केट में करीब 6 दुकानों के ताले टूटने की सूचना मिली है, और जिसको सवेरे रिपोर्ट थाने पे आने पे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा गंभीरता से लिया गया और मेरे द्वारा स्वयं मौके पर थाना क्षेत्र में उपस्थित होकर के इस संबंध में जांच के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और कुल 1 दुकान से 40,000, दूसरी दुकान से लगभग 10,000 और तीसरी दुकान से लगभग 7,000, कुल मिला के 57,000 के आसपास कैश जाने की सूचना है, जिस पर से थाना में अपराध कायम करके और सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं और उस आधार पर शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। लालबरवा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली स्थित रजा मस्जिद के पीछे स्थित मैदान में रजा मस्जिद सुन्नी हनफी जमात अमोली व जामा मस्जिद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में 21 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम जमात ने नागरिकता संशोधन विधेयक की खिलाफत करते हुए इसे संविधान विरोधी करार दिया। विरोध प्रदर्शन के अंत में SDM संदीप सिंह व SDOP RN परतेती कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर रजा मस्जिद सुन्नी जमात व
जामा मस्जिद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संविधान विरोधी बिल को वापस लिए जाने की मांग की। जो ये अमेंडमेंट एक्ट बना उसके विरोध में सभी वर्गों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है, प्रशासन के सभी लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इन्हें परेशानी ना हो ज्ञापन देने में, रैलियाँ निकलना भी वर्जित है, 144 धारा लगी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ खुद ही उपस्थित हुए कि आपके ज्ञापन जो विरोध प्रदर्शन है कहीं आके हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज, दलित समाज और जितने भी जो अम्बेडकर जी के जो मानने वाले, संविधान को जो मानने वाले, इन सभी लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो आपस में बैठ के हमने शांतिपूर्ण तरीके से, यह जो केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनकी जो मनमानी चल रही है उसके विरोध में, ताकि हम लोग जो है सभी लोग सुरक्षित रहें और संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है इस संविधान को बचाने के लिए आज यहाँ पर NRC के खिलाफ हमारे सभी धर्म, सभी जाति को लोग यहाँ और NRC के खिलाफ आंदोलन, ताकि सरकार ने जो काला कानून बनाया है वो काला कानून सरकार वापस ले। सेंट्रल बैंक के 109 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बालाघाट शाखा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सेंट्रल बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार से जानकारी दी और ग्राहकों के भरोसे और उनके दिए गए सहयोग का धन्यवाद अदा किया। आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 109 साल पूरे हो गए हैं। आज के दिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना सर सौरभजी पूछकान वाले ने की, उनकी एक सेंट्रल बैंक की एक शाखा जो बालाघाट में है, ग्राहकों के सहयोग से और हमारी उत्कृष्ट सेवा से हम हर साल ग्राहकों की जो भी समस्या है वो उसका समाधान करते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरेखा में हटाया गया अतिक्रमण, पहली बार हुई अतिक्रमण पर कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ विवाद, अतिक्रमणकारी ने कोतवाल को मारा चाकू। जंगल से रास्ता भटक कर बावरिया पहुंचा बायसन, वन विभाग ने संभाला मोर्चा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की धीमी प्रक्रिया, एक महीने से देरी से होगी सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं। एक महीने से हाथी हुए लापता, ढूंढने से नहीं मिल रहा लोकेशन। किरनापुर में एक रात में टूटे 6 दुकान के ताले, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोरों की कथित। और ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में फरवरी 11 बनी विजेता। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।